ये मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं रिकी पॉन्टिंग की कैप्टन्स डायरी 2006 एंड रिकी पॉन्टिंग की कैप्टन डायरी 2007। अब इन दो किताबों की आज इस वीडियो में क्या रेलेवेंस है? आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब आए थे, मिसबाउल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच और चीफ सेलेक्टर होंगे उनके साथ, और जो साफ़ी थे लाहौर में वो ये समझ रहे थे कि आज पर्टिकुलरली चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकर गुफ्तगु करेंगे। पाकिस्तान टीम का श्रीलंका की क्रिकेट टीम दौरा कर रही है या नहीं कर रही, एक मैसेज ज़रूर दिया है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने क्रिकेट श्रीलंका को कि जनाब पाकिस्तान तो अपनी होम सीरीज़ पाकिस्तान में ही खेलेगा और कोई अगला ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान के पास, तो अगर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान 3 एक रोज़ा मैच और 3 T20 मैच खेलने के लिए आती है तो ये सीरीज़ सिर्फ पाकिस्तान ही में होगी और कहीं होगी नहीं, अगर हुई अदरवाइज़ फिर ये सीरीज़ नहीं होगी। अब इन दो किताबों का क्या रेलेवेंस है आज की इस वीडियो के साथ? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब ने यह कहा कि सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान टेस्ट 1 और T20 टीम के कप्तान हैं उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं श्रीलंका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के 3 एक रोज़ा मैच और 3 T20 मैचों के लिए, लेकिन एक बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया कि क्या वो तवील दौरानी की टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन आज उन्होंने बाबर आज़म जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े ही अहम बैट्समैन हैं, बड़ी शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जिसने वर्ल्ड कप 2019 का फ़ाइनल खेला इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लॉर्ड्स के मैदान पर एडबस्टन क्रिकेट ग्राउंड बर्मिंगम पर, सेंचुरी स्कोर की टीम पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया, उनको एक नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और अब वो सरफराज अहमद के बाकायदा नायब होंगे। इससे पहले कोई पाकिस्तान टीम का परमानेंटली खिलाड़ी सरफराज अहमद का नायब नहीं था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो सरफराज अहमद की कप्तानी के ऊपर गहरे सियाह बादल छाए हुए थे वो छट गए हैं? बिल्कुल नहीं छटे। सरफराज अहमद के लिए आगे आने वाले दिन डेफिनेटली मुश्किल होंगे, क्योंकि आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद अजम ट्रॉफी की, जहां वो सिंध की टीम की क्यादत करेंगे, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कप्तान की राय होनी चाहिए, कप्तान को पावरफुल होना चाहिए। इससे पहले नेशनल स्टेडियम कराची में अंडर 19 के खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने इस बात का खुलासा किया था के कप्तान को अपना अमीर मानना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए और बहुत कुछ वो इस गुफ्तगू में कह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने बाकायदा तौर पर यह सिग्नल दिया है कि अभी तय नहीं किया उन्होंने कि सरफराज को तवील दौरानिए की क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारियाँ आइंदा आने वाली कुछ सीरीज़ में दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो चीफ सेलेक्टर हैं हेड कोच मिसबाउल हक हैं, उनका कहना भी यही था, गोलमोल बातें उन्होंने की इससे पहले लाहौर ही में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे नए आइन के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हैं, उनके साथ भी गोलमोल बातें उन्होंने की थी कि हम मशावरत करेंगे, चेयरमैन को सजेशन देंगे, लेकिन कुछ वाज़े पैगाम नहीं दिया था। अब सवाल यह है कि मिसबाउल हक को तो आप 3 साल के लिए बस जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं, लेकिन जो टीम को ग्राउंड के अंदर लड़ाएगा, जो टीम की शिकस्त और फतह का बड़ा अहम किरदार अदा करेगा यानी कप्तान, उसको आप सीरीज़ बाय सीरीज़ की पॉलिसी के साथ लेकर चल रहे हैं, उसको आप अहम जिम्मेदारियां दे नहीं रहे। एक बात तो तय है कि सरफराज अहमद को अगर अपनी कप्तानी बचानी है तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाना होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरफराज अहमद आने वाले दिनों में क्या तीनों फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे? क्या सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के पिछले 2 साल से जिस तरह तीनों फॉर्मेट में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं देते रहेंगे? शायद इतना आसान नहीं होगा ये विकेट कीपर बैट्समैन के लिए, अगर जो उन्होंने ट्रेनिंग कैंप के दौरान 7 से 9 किलो के दरमियान वज़न को कम किया, लेकिन अब बल्ले के साथ और अपनी विकेट कीपिंग के साथ उन्होंने बहुत कुछ साबित करना है। ये ऑस्ट्रेलिया के कामयाब तरीन टेस्ट कैप्टन रिकी पॉन्टिंग की कैप्टन्स डायरी है, और वो हर दौरे के बाद अपनी डायरी लिखा करते थे। सरफराज अहमद को ये मौका मिलेगा अपनी कैप्टन्स डायरी लिखने का? आई डोंट थिंक सो। सरफराज अहमद तो वैसे भी खुलकर बात नहीं करते हैं और बहुत सी बातें उनके सीने में जो हैं वो महफूज हैं और खुलकर बात नहीं करते हैं, तो ये रिवायत नहीं रही हमारे पास कि हमारे कैप्टन्स जो हैं अपनी डायरी लिखें, हमारे कैप्टन्स जो हैं
अपने अंदर की बातों को बाहर आकर एक्सप्रेस करें, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 वर्ल्ड कप के दौरान, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो हर मैच के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कप्तान सरफराज अहमद उस हवाले से एक कॉलम लिख रहे थे और कुछ कॉलम मेरी निगाहों से भी गुजरे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में आया करते थे कप्तान के कॉलम, तो फिर उसके अंदर कुछ आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं। लेकिन आने वाली वीडियोस में डेफ़िनेटली ये जो दो किताबें मेरे पास मौजूद हैं, और भी मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद हैं क्रिकेटर्स की, कोशिश करेंगे कि उन किताबों में जो माजी के झरोकों के हवाले से अहम बातें हैं वो आपके साथ जनाब शेयर करें, और उन किताबों के अंदर खिलाड़ियों ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। फ़िलहाल जनाब आज की इस वीडियो में इतना ही। सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।